और इस तरह की फिनिशिंग मिलने वाली है आपको डबल कोट मारने के बाद में प्लाईवुड के ऊपर। दोस्तों इस प्लाईवुड के ऊपर हमें हाथ से पॉलिश करनी है ब्राउन कलर की, और इस प्लाईवुड के ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा होता है वो मैंने मिटा दिया है। वो अगर आपको देखना है कैसे मिटता है तो आप ऊपर जाकर देख सकते हैं, वीडियो आई बटन में मिल जाएगी। सबसे पहले इसके ऊपर रेगमाल लगाना है पट्टे वाला, ये पट्टे वाला रेगमाल है 80 नंबर का, और इसकी अच्छी तरह से दबा के कटाई करनी है, जो टक्कर वगैरह है पूरी बराबर कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद में मानना है हम इसके ऊपर स्पीड पॉलिश, ये स्पीड पॉलिश है, ये स्पीड और लाखदाना को मिक्स कर बनाई गई है। स्पीड पॉलिश कैसे बनती है वो अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको स्पीड पॉलिश की वीडियो मिल जाएगी कि स्पीड पॉलिश कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से स्पीड पॉलिश को कपड़े में छान लेना है, उसके बाद में एक या दो कोट इसके ऊपर अप्लाई करने हैं इस तरह से। उसके बाद में हमें इसके ऊपर करना है वुड फिलर, ये टीक कलर का वुड फिलर है। यह वुड फिलर 1 किलो की ही पैकिंग में आता है और इसका प्राइस लगभग 150 से स्टार्ट होता है, बाकी 300 तक भी मिलता है, कंपनी के हिसाब से रेट कम ज़्यादा हो सकता है। और इस तरह से पूरी प्लाईवुड के ऊपर यह पुट्टी खींच देनी है। इसकी जगह पर आप चाक मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाक मिट्टी में रासेना मिला के इस तरह से पुट्टी खींच देंगे, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन आप पुट्टी अगर यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि पुट्टी ज़्यादा मजबूत होती है, इससे आपकी प्लाई की लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से पुट्टी कर देनी है पूरी प्लाई के ऊपर, टक्कर टुक्कर सारा कर देना है। और दोस्तों ये है हमारी ई बुक, इसमें आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में, कि कौन सी पॉलिश करने में कौन सा मटेरियल लगता है। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देख सकते हैं लगभग 20 पेज के है। इसको खरीदने के लिए आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, लिंक पे क्लिक करना होता है, उसके बाद में सीधा बुक पे पहुंच जाएंगे, फिर व्यू नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद में अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। सूखने के बाद में इसके ऊपर डबल कोट पुट्टी कर देनी है ताकि इसकी नस वगैरह जो खाली रह गई हो वो भी भर जाए। इस तरह से इसके ऊपर डबल कोट पुट्टी कर लेनी है और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगाना है 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल, या फिर आप कागज़ वाला 120 नंबर या 100 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, और इसकी अच्छी तरह से दबा कर कटाई कर लेनी है ताकि जो हमारी स्ट्रा पुट्टी लगी हो वह निकल जाए और जो नस के अंदर भरी होगी पुट्टी वह रह जाएगी। तो इस तरह से अच्छी तरह दबा के रेगमाल लगा लेना है, टक्कर टुक्कर ही पूरा बराबर कर लेना है। फिर इसके ऊपर करना है कलर, कलर करने के लिए मैंने लिया है वॉलनट वुड स्टीनर। अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं तो चारकोल का प्रयोग कर सकते हैं, मैं इसमें ब्राउन ही करूंगा इसलिए वॉलनट का प्रयोग करना है। तो इसको स्पीड पॉलिश में मिक्स करना है, जितनी हमारी स्पीड पॉलिश हो उतना ये कलर मिक्स करना है, आधा आधा लगभग, और फिर इसको अप्लाई कर देना है। पहला कोट हमें थोड़ा दबा के मारना है ताकि कलर हमारा नस के अंदर चला जाए, इससे की सेटिंग बढ़िया हो जाएगी। पहला हाथ बिल्कुल रगड़ रगड़ के मारना है इसके ऊपर इस तरह से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो इसी तरह से सिंगल कोट मारने के बाद में 1-2 मिनट का गैप देख के इसके ऊपर डबल भी मार लेंगे कोट इसी तरह से। ये आपको जितना भी डार्क करना हो उतनी गद्दियाँ मारते जाइए इसके ऊपर, 1-2 मिनट का गैप देके उतना ही डार्क होता चला जाएगा इस तरह से। एक दो मिनट का गैप देना जरूरी है, गीले गीले मारेंगे तो रंग निकल जाएगा। और यह पॉलिश आप धूप में ही प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इसी तरह से इसका कलर कर लेना है सेट। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो मिल जाएंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं उसको। तो अभी ये कलर हमारा हो चुका है, इसको थोड़ा सुखा लेंगे। अगर आपको और भी डार्क करना है तो और भी डार्क कर सकते हैं इसके ऊपर, और भी गद्दियाँ मार सकते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर फिनिश करना है हमें, तो उसके लिए लेना है सैंडिंग सीलर।
अगर आपको हाथ से ही करना है तो सैंडिंग सीलर, और अगर आपको स्प्रे से करना है तो इसके लिए मेलामाइन या पीयू का भी प्रयोग कर सकते हैं सीलर का। तो मैं इसमें हाथ से करके दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए इसमें सैंडिंग सीलर का ही प्रयोग करूँगा। यह देख सकते हैं इस तरह का होता है सैंडिंग सीलर। आप कंपनी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, हर कंपनी में अवेलेबल है। यह आपको जितना यूज करना हो उतना निकाल लें एक डब्बे में, और इसमें मिक्स करना है लगभग आधा जितना हमने सीलर लिया है उतना ही थिनर मिक्स करेंगे इसमें, एनसी थिनर। बाकी कंपनी के हिसाब से थिनर कम ज़्यादा पड़ सकता है, डब्बे के ऊपर सारा लिखा होता है कितना थिनर पड़ना है इसके अंदर। तो इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। और उसके बाद में इसके ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर कपड़े की गद्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला कोट आपको बिल्कुल सूखा सूखा रगड़ना है हल्के हल्के हाथ से, ताकि हमारा कलर ना निकल जाए। इस तरह से बिल्कुल सूखे सूखे हाथ से इसके ऊपर एक या दो कोट मार देने हैं ताकि हमारा रंग पक्का हो जाए। उसके बाद में आप जैसे मर्जी वैसे मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो इसी तरह से एक दो मिनट का गैप देके इसके ऊपर कम से कम 10-12 हाथ मारने हैं, जब तक कि इसकी नस फूल भर नहीं जाती है तब तक इसके ऊपर मारते ही रहना है। इस तरह से मारते रहना इसके ऊपर। भराई होने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगा लेंगे 400 नंबर का हल्का हल्का, ताकि इसके दाने दूने कट जाए। उसके बाद में जो हमने कलर पहले बनाया था वही एक हाथ मार लेंगे। इससे ये होगा कि इसकी सफाई भी हो जाएगी और जो हमारा कलर माड़ा मोटा निकला होगा कहीं से वो भी सेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब इसके ऊपर करना है हमें टॉप कोट। टॉप कोट के लिए मैं इसके ऊपर मारूंगा टचवुड ग्लोसी, ये टचवुड ग्लोसी है। इसमें मिक्स करना है तारपीन का तेल, ये तारपीन का तेल है, कोलिन की बोतल है खाली। एक लीटर में लगभग 200 ग्राम मिक्स करना है, और उसको आप ब्रश से या कपड़े से इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। एक कोट मारने के बाद में अगर आपको लगे कि इसकी सफाई पूरी नहीं आई है या शाइनिंग पूरी नहीं आई है या दाने वगैरह हैं, तो जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर आप 400 नंबर का हल्का हल्का सा रेगमल लगा के 400 नंबर या 600 नंबर का इसके ऊपर डबल कोट भी इसी तरह से अप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग स्मूथ हो जाएगी और इसकी चमक भी बढ़ जाएगी। तो देख सकते हैं इस तरह का हो गया है सिंगल कोट, जैसे इसमें दाने दिख रहे हैं। अगर आप डबल कोट मार देंगे तो इसमें दाने नहीं दिखेंगे। इस तरह से पॉलिश आप प्लाईवुड की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं रैक है, इसके ऊपर प्लाईवुड ही लगी है अकेली, इसके ऊपर विनियर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर अगर आपको पॉलिश करनी है तो इस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। बाकी आप प्लाईवुड की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। इसमें आप कलर कोई भी कर सकते हैं, जैसे आपको नेचुरल करना है तो नेचुरल भी कर सकते हैं, ब्राउन करना है तो ब्राउन भी कर सकते हैं, या रोज वुड करना है तो रोज वुड भी कर सकते हैं। इसके अंदर साइड में माइका लगा है, बाकी बाहर साइड में प्लाईवुड ही है। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।